नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक तो आपने सुना ही होगा और साथ में एक और दोहा भी सुना होगा जो कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागो पाए बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर हमारे धर्मशास्त्र की माने तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माना गया, यहाँ तक कि गुरु को परब्रह्म परमेश्वर के बराबर स्थान दिया गया है। और अगर हम साहित्य की बात करें, हमारे भारतीय साहित्य की बात करें, तो जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कि गुरु और गोविंद अगर दोनों में से पहले चुनना हो तो गुरु को ही चुनना चाहिए, क्योंकि गुरु की वजह से ही आप गोविंद तक यानी भगवान तक जा सकते हो। तो आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, कि गुरु पूर्णिमा इस साल कौन से दिन मनाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कन्फ्यूजन है कि क्योंकि 16 तारीख को चंद्रग्रहण भी है तो इस वजह से कुछ लोग 15 तारीख यानी 15 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा का सही दिन कौन सा है, यानी कि हमको गुरु पूर्णिमा किस दिन मनानी चाहिए और चंद्र ग्रहण से उसको किस तरह से दूर रखा जा सकता है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का पूजा करने का सही समय क्या होगा। तो चलिए मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि इस दिन का नाम यानी गुरु पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा क्यों पड़ा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ही हमारे संस्कृत के विद्वान वेद व्यास, जिनको आज हम वेद व्यास के रूप में जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। इसी वजह से, और वैसे भी आपको मालूम होगा कि वेद व्यास को आदि गुरु भी कहा जाता है, इसी कारण से इस पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा रखा गया और कहीं कहीं पर इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वेद व्यास थे इसलिए व्यास पूर्णिमा के नाम से भी इस पूर्णिमा को जाना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कन्फ्यूजन की, कि इस साल जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि 16 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है और 16 तारीख को ही गुरु पूर्णिमा है, तो ग्रहण के समय हम कैसे गुरु पूर्णिमा को मना सकते हैं, कैसे गुरु की हम पूजा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो जो गुरु पूर्णिमा है वो 15 तारीख की रात 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे के बाद 1:48 से शुरू होगी, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे 16 तारीख लग चुकी होगी। तो 16 तारीख की जो है वो 1:48 से शुरू होकर 17 तारीख की दिन यानी दोपहर 3:05 तक का समय रहेगा। करीबन ये 22 घंटे का जो समय है, इस 22 घंटे में गुरु पूर्णिमा रहेगी। अब मैं आपको चंद्र ग्रहण से इसको रिलेट करके बताता हूँ कि कुछ लोग चंद्र ग्रहण के वजह से क्यों 15 तारीख का बोल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 16 तारीख की रात्रि 1:31 से शुरू होगा, और जबकि जो गुरु पूर्णिमा है वो तो 15 तारीख की जो रात मध्य रात्रि के बाद 1:48 से शुरू हो चुकी है। और शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। तो अगर 16 तारीख की रात्रि 1:31 से अगर चंद्र ग्रहण शुरू होता है तो उसके 9 घंटे पहले आ जाइए आप, तो करीबन 3:30 बजती है दिन में। तो 3:30 के पहले तो आप आराम से गुरु पूर्णिमा का स्नान भी कर सकते हैं, आप गुरु पूर्णिमा की पूजा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके पास सफिशियंट टाइम है, यानी कि 15 तारीख की रात को 1:48 से लगाकर 16 तारीख की 3:00 करीबन 3:30 तक आपके पास टाइम है। इसमें बहुत अच्छे से आप पूजा कर सकते हो, कुछ भी काम कोई सा भी स्नान इसके अंदर कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा, क्योंकि सूतक भी शाम को 3:00 के बाद ही लगेगा, इससे पहले सूतक नहीं लगेगा। तो आप इसके पहले आप आराम से पूजा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देता हूँ जबकि आप उस समय में स्नान कर सकते हो और पूजा पाठ भी, अपने गुरु की पूजा पाठ भी कर सकते हो। तो ये समय रहेगा सुबह 10:30 से 1:30 तक। इस बीच में आप कभी भी स्नान भी कर सकते हो और पूजा भी कर सकते हो। वैसे तो स्नान का जो अच्छा समय होता है वो सुबह प्रातः काल का होता है, आप तब भी कर सकते हो, लेकिन अगर उस समय टाइम नहीं मिले तो आप 10:30 सुबह 10:30 से 1:30 के बीच में आप स्नान करके आप अपने गुरु की पूजा कर सकते हो। यह मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि गुरु का मतलब सिर्फ टीचर से नहीं है, सिर्फ शिक्षक से नहीं है जो आपको ज्ञान दे उससे नहीं है, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए है जो आपके लिए गुरु तुल्य है, यानी जिसको आप गुरु मानते हैं। उसमें आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका बड़े भाई हो सकते हैं, आपके कोई बड़े दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपको अच्छी सीख दे, अच्छा ज्ञान दे, आपको सही मार्ग पे ले जाए, वो सारे ही लोग
गुरु के समान होते हैं, आप उनसे उनकी पूजा, पूजा का मतलब उनका आदर सम्मान कर सकते हो। आप ऐसा तो है नहीं कि आप अपने बड़े भाई की पूजा करने बैठ जाओगे या अपने अच्छे दोस्त की पूजा करने बैठ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं, उनका आदर सम्मान करें उस दिन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।